हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि बेसिक बॉडी बैक पैटर्न कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। फॉर द फ्रंट बेसिक बॉडी, प्लीज चेक माय बेसिक बॉडी फ्रंट पैटर्न मेकिंग ट्यूटोरियल। ड्राफ्टिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड साइज 10 का मेजरमेंट यूज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ड्राफ्टिंग। बैक साइड का जो पैटर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, सिमिलर टू योर फ्रंट साइड पैटर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक। सो पैटर्न का फ्रंट एज से 1 इंच छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद टॉप एज से 2 इंच छोड़ के एक पॉइंट मार्क कीजिए। जो पॉइंट आपने मार्क किया, उस पॉइंट से आपको बैक मेजरमेंट, शोल्डर टू वेस्ट का जो मेजरमेंट है, उसको आपको प्लेस करना है। ड्रॉ स्क्वायर आउट एट बोथ पॉइंट टुवर्ड साइड सीम एंड नेम इट एज वेस्ट पॉइंट एंड नैप पॉइंट। वेस्ट पॉइंट एंड नैप पॉइंट मार्क करने के बाद प्लेस नेक डेप्थ मेजरमेंट फ्रॉम नैप पॉइंट ऑन सेंटर बैक लाइन। तो यहाँ पे सेंटर बैक लाइन के ऊपर आपको 1.25 सेंटीमीटर मार्क करना है फ्रॉम नैप पॉइंट। So that will be your neck depth point. Then place half of shoulder to shoulder measurement on nap line. Shoulder to shoulder measurement place करने के बाद जो shoulder edge point मिलेगा, उस shoulder edge point के ऊपर आपको square down draw करना है। Square down draw करने के बाद place shoulder slope measurement, which is same as front shoulder slope measurement, and mark a shoulder slope point. Shoulder slope mark करने के बाद next is your shoulder width placement. Shoulder slope से आपको shoulder width measurement place करना है नेप लाइन के ऊपर। शोल्डर स्लोप से शोल्डर विड्थ प्लेस करने के बाद आपको नेक विड्थ पॉइंट मिल जाएगा। शोल्डर स्लोप पॉइंट और नेक विड्थ पॉइंट को ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। नाउ प्लेसमेंट ऑफ शोल्डर विड्थ। बेसिक बॉडी बैक में शोल्डर के ऊपर एक डार्ट होता है, तो डार्ट का जो मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इनिशियली जो मेजरमेंट था शोल्डर का वो है 12 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर डार्ट, आपका हो जाता है 13 सेंटीमीटर। नेक विड्थ पॉइंट से आपको शोल्डर विड्थ प्लेस करना है ऑन शोल्डर लाइन एंड मार्क शोल्डर एज पॉइंट। शोल्डर एज पॉइंट मार्क करने के बाद प्लेसमेंट ऑफ शोल्डर डॉट। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ शोल्डर विड्थ एंड प्लेस शोल्डर डॉट। तो शोल्डर डॉट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। जो भी मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट किया, बोथ साइड आप हाफ हाफ सेंटीमीटर प्लेस करें। देन ड्रॉ ए स्क्वायर डाउन आट डॉट मिड पॉइंट एंड प्लेस डॉट डेप्थ। डॉट डेप्थ का जो मेजरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर। शोल्डर डार्ट का मिड पॉइंट से आप 7 सेंटीमीटर मार्क कीजिए। देन जॉइन डार्ट डेप्थ विथ डार्ट पॉइंट्स, तो आपको शोल्डर डार्ट मिल जाएगा। शोल्डर डार्ट कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट इज योर नेक कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी हमने नेक डेप्थ प्लेसमेंट किया हुआ है एंड नेक विथ का पोजीशन आपको मिल गया है। जस्ट जॉइन बोथ द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व्स। नेक कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट इज योर बस्ट पॉइंट लाइन। तो फाइंडिंग बस्ट पॉइंट लाइन इज द सेम टेक्निक जो हमने फ्रंट के लिए भी यूज किया था। तो जस्ट मेजर नेप टू वेस्ट लाइन पॉइंट एंड डिवाइडेड टू हाफ, सो यू विल गेट योर बस्ट पॉइंट लाइन। ड्रॉ ए स्क्वायर आउट टुवर्ड साइड सीम एंड प्लेस 1/4 ऑफ बस्ट मेजरमेंट, विच इज सेम एज फ्रंट बस्ट मेजरमेंट। आफ्टर प्लेसिंग बस्ट विल मूव टू बैक विड्थ पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट से बस्ट पॉइंट का जो लाइन है उसको मेजर कीजिए एंड फाइंड 1/3 ऑफ दैट मेजरमेंट एंड बस्ट पॉइंट लाइन से ऊपर की तरफ आप प्लेस कीजिए। आपको बैक विड्थ लाइन के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड ड्रॉ ए स्क्वायर आउट टुवर्ड साइड सीम। बैक विड्थ लाइन ड्रॉ करने के बाद हाफ ऑफ बैक विड्थ का मेजरमेंट प्लेस कीजिए। आपको बैक विड्थ का साइड सीम पॉइंट मिल जाएगा। बैक विड्थ का साइड सीम पॉइंट मिलने के बाद विल मूव टू आर्म होल कंस्ट्रक्शन। अभी आपके पास बस्ट का साइड सीम पॉइंट, अबव बैक का साइड सीम पॉइंट एंड शोल्डर एज पॉइंट है। तीनों पॉइंट को मिला के आर्म होल कंस्ट्रक्शन कीजिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए बस्ट का साइड सीम पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इनवर्ड मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद जॉइन ऑल द पॉइंट्स टू क्रिएट आर्म होल। आर्म होल कंस्ट्रक्शन होने के बाद विल मूव टू वेस्ट एंड वेस्ट डॉट कंस्ट्रक्शन। वेस्ट डॉट कंस्ट्रक्शन करने के लिए फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेस्ट मेजरमेंट एंड मार्केट आज ए वेस्ट डॉट मिड पॉइंट। वेस्ट डॉट मिड पॉइंट के ऊपर स्क्वायर अप ड्रॉ कीजिए अप टू योर बस्ट लाइन। बस्ट लाइन के ऊपर आपको डॉट क्लोजिंग पॉइंट मिल जाएगा। देन प्लेस द डॉट विड्थ मेजरमेंट। डॉट का जो विड्थ है उसको आप प्लेस कीजिए बोथ साइड ऑफ डॉट मिड पॉइंट। बैक डॉट मेजरमेंट के लिए यू कैन चेक माई शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कैसे डॉट को कैलकुलेट किया जाता है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक द लिंक। वेस्ट डॉट पॉइंट मार्क करने के बाद बस्ट लाइन के ऊपर जो पॉइंट मार्क किया हुआ है को आप ज्वाइन कर लीजिए वेस्ट डॉट पॉइंट के साथ। तो
तो आपको बैक का जो डॉट है वो मिल जाएगा। बैक डॉट कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट वी मूव टू वेस्ट एडजस्टमेंट। जितने भी आपने डॉट प्लेसमेंट किए हैं सेम डॉट को आपको साइड सिम से एक्सटेंड करना है। साइड सिम एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट क्रिएट होगा उसी पॉइंट को बस्ट का जो साइड सिम एज है एज पॉइंट है उसके साथ आपको ज्वाइन कर देना है। आफ्टर ज्वाइनिंग द साइड सिम योर बैक पैटर्न इज कम्प्लीट। बैक पैटर्न को समझने के लिए आपको फ्रंट पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पहले आप फ्रंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप समझिए, देन आप बैक का कंस्ट्रक्शन कीजिए, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट। बैक पैटर्न कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू कट ऑल द डॉट एंड व्हाट आर द एडजस्टमेंट नीड टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पैटर्न। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।